डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। भीमराव आंबेडकर जी भीमबाई के पुत्र थे और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ सेना छावनी केंद्रीय प्रांत सांसद महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में एक सूबेदार थे। 1894 में उनके पिता के सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ सातारा चले गए। 4 साल बाद आंबेडकर जी के माँ का निधन हो गया और फिर उनकी चाची ने उनकी देखभाल की। बाबा साहेब आंबेडकर के 2 भाई बलराम और आनंदराव और 2 बहन मंजुला और तुलसा थी। सभी बच्चों में से केवल आंबेडकर उच्च विद्यालय गए थे। उनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पिता ने फिर से विवाह किया और परिवार के साथ बॉम्बे चले गए। 15 साल की उम्र में आंबेडकर जी ने रमापाई से शादी की। बाबा साहेब आंबेडकर जी का पूरा ध्यान मुख्य रूप से दलित और अन्य निचली जातियों और तबकों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में था। भारत की आजादी के बाद वे दलित वर्ग के नेता और सामाजिक रूप से अछूत माने जाने वालों के प्रतिनिधि बने। प्लीज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। दलित बौद्ध आंदोलन भारत में बाबा साहेब आंबेडकर की अनुगवाई में दलितों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन आंबेडकर जी के द्वारा 1956 में तब शुरू किया जब लगभग 5 लाख दलित उनके साथ सम्मिलित हो गए और नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। यह आंदोलन बौद्ध धर्म से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ था। इसमें बौद्ध धर्म की गहराइयों की व्याख्या की गई थी तथा नवयान नामक बौद्ध धर्म स्कूल का निर्माण किया गया था। आंबेडकर जी ने अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षाभूमि में एक साधारण समारोह के दौरान उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि कई लेख और किताबें प्रकाशित करने के बाद लोगों को यह पता चल गया था कि बौद्ध धर्म दलितों को समानता प्राप्त कराने का एकमात्र तरीका है। उनके इस परिवर्तन ने भारत में जाति व्यवस्था से पीड़ित दलितों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार और उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने और खुद को परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। उनका यह धर्म परिवर्तन कोई क्रोध में लिया गया फैसला नहीं था। यह देश के दलित समुदायों के लिए एक नए तरीके से जीवन को देखने की प्रेरणा थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म के द्वारा मनुष्य अपनी आंतरिक क्षमता को प्रशिक्षित करके उसे सही कार्यों में लगा सकता है। उनका निर्णय दृढ़ विश्वास इस बात पर आधारित था कि ये धार्मिक परिवर्तन देश